हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, ये जो वीडियो देखने जा रहे हैं लाइव क्लासेस का वीडियो है, जो कि है पिवट टेबल। जी हां, पिवट टेबल एंड एडवांस पिवट टेबल की वीडियोज है। अगर आप पिवट टेबल पे पूरी कंप्लीट पकड़ चाहते हैं तो आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना चाहिए। मेरे ऐप के अंदर आप जाएंगे तो मिलेगा एडवांस पिवट टेबल का एक कोर्स, जो कि मैंने आज ही लॉन्च किया है। एकदम न्यू कोर्स है और इसके अंदर में हम बात करेंगे एडवांस पिवट टेबल के बारे में। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पे एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग को सर्च करिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी जा सकते हैं। वहां भी एप्पल, आईओएस और एप्पल दोनों का लिंक है, एंड्रॉयड का भी, आईओएस का भी है। तो यहाँ पे मेरा एक जो नया कोर्स आया है वो आया है एडवांस पिवट टेबल। जी हाँ, एडवांस पिवट टेबल एक्शन मास्टर इन द पिवट टेबल, इसकी बात करते हैं। इसकी प्राइस ज्यादा नहीं, 499 रुपए की प्राइस है। और इसके अंदर कंटेंट देखे तो इसमें और कंटेंट ऐड होने वाला है। इसमें बेसिक पिवट है, एडवांस पिवट टेबल है और इसके अंदर डैशबोर्ड है। जी हाँ, 7 डैशबोर्ड वीडियो भी अपलोड हुई है। इसमें और भी वीडियोज अभी अपलोड होंगे, ये आपको अगले हफ्ते तक, ये 7 जो है तकरीबन 25 के आसपास हो जाएगा। तो टोटल 25 डैशबोर्ड है इसके अंदर, जो कि पिवट टेबल पे बनाए गए हैं। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को बाय कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही 25 वीडियोज इसमें ऐड हो जाएंगे, इसका जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। अभी ये डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन जब नए कोर्स, नए चीज ऐड करूंगा तो आपको वो चीज रिसीव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे एडवांस पिवट के बारे में। तो पिवट टेबल आज का टॉपिक है। तो इससे पहले कि पिवट टेबल की क्लास में हमने आपको डेटा को समरी क्रिएट करना सिखाया था, अब चलिए उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पिवट टेबल पे क्लिक किया, इंसर्ट किए पिवट टेबल, देन ओके। इसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना स्टोर वाइज और यहाँ पे अपनी क्वांटिटी का टोटल लगता हूं। मुझे मैट्रिक्स फॉर्मेट में चाहिए तो मैं अपना जो स्टोर है उसको मैंने कॉलम में रख दिया। अब ये जो ब्लैंक्स दिख रहे हैं, इस ब्लैंक्स को मुझे जीरो करना है। सो राइट क्लिक, हम पिवट टेबल ऑप्शंस में आएंगे और यहां पे हम जीरो कर देंगे, देन ओके। तो अब देखिए आपके सामने जीरो आ गया। मतलब राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस में आप ब्लैंक या एरर के जगह पे अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद जो रो की हेडिंग सम ऑफ क्वांटिटी, तो यहां पे मैं लिख देता हूं सोल्ड क्वांटिटी। कॉलम हेडर में मैं यहां पे स्टोर लिख देता हूं और यहां हम कर देते हैं नेम। अब एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते ही देखिएगा कॉलम की साइज छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस के अंदर में एक ऑप्शन होता है प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट, सॉरी ऑटो फिल, माफ कीजिएगा, ऑटो फिल कॉलम विड्थ ऑन अपडेट। जैसे अपडेट होने पे कॉलम को ऑटो फिट हो जाएगा, साथ में प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग। आपने कोई फॉर्मेटिंग किया है तो रिफ्रेश होने पे फॉर्मेटिंग भी आपका सेम टू सेम रहेगा। अब यहां पे मान लीजिए कि मैंने देखा कि पूजा ने नोएडा में 8208 की क्वांटिटी सेल की है, मुझे इसका डेटा चाहिए। अब मुझे इसका डेटा लेने के लिए क्या करना होगा? मुझे इसका डेटा लेने के लिए, जब आपको डेटा में जाके फिल्टर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्या कीजिए? क्लिक कीजिए 8208 के ऊपर, एक नई शीट में आपको डेटा दे देगा। क्या करेगा? एक नई शीट में क्या करेगा? उसका डेटा कॉपी पेस्ट कर देगा, समझे? लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों का एक प्रॉब्लम होता है, मतलब कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको डबल क्लिक करने का आदत होता है।
ऐसे केस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहां पे मैं चाहता हूं कि डबल क्लिक करने पे डेटा ना दिखे, तो राइट क्लिक करके हम पिवट टेबल ऑप्शन पे आते हैं और यहां डेटा के अंदर हम अनेबल शो डिटेल्स को अनचेक कर दो। देन ओके, अब इस पे हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो इस तरह का पॉपअप देगा। अब यहां पे ध्यान रखिए कि हम कॉलन वाले सेक्शन में कब रखते हैं डेटा, कॉलन वाले सेक्शन में हम तब रखते हैं जब, कॉलन के सेक्शन में हम डेटा को तब रखते हैं जब मेरे पास डेटा की काउंट जो है कम होता है। डेटा का काउंट अगर कम है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कॉलम में रखते हैं। लेकिन काफी ज्यादा डेटा हो जाएगा तो वर्टिकली ओरिजिनली आपको पढ़ना दिक्कत करेगा, तो ऐसे केसेस में मैं स्टोर को एसओ के नीचे रखूंगा। ऐसे नीचे रखने पे इस तरह का आ जाएगा। इसमें एक और फायदा है कि आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, इसको कोलैप्स और एक्सपेंड भी कहते हैं। जब भी पिवट पे क्लिक करेंगे ऊपर दो नया टैब आएगा, तो पिवट टैब एनालाइज में जाइए और यहां पे देखिए कोलैप्स और इसको सिलेक्ट करिए एक्सपेंड। बट ये तब यूज करते हैं जब हमें डेटा को एज ए पिवट टेबल भेजना होता है। डेटा को जब मुझे एज ए पिवट टेबल भेजना है तब इसका यूज करते हैं। लेकिन अगर कई बार हमें डेटा को कॉपी करते हैं, मान लीजिए यहां पे वैल्यू पेस्ट करते हैं और फिर उसको भेजते हैं, तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां नेम और सिटी दोनों मिक्स हो गया, पता नहीं चल रहा है, तो मुझे यहां अलग अलग कॉलम में चाहिए। तो ऐसे केसेस में पिवट टेबल डिजाइन में जाऊंगा और रिपोर्ट लेआउट में यहां दिखेगा शो टेबुलर फॉर्म पे क्लिक कीजिए तो देखिए ये अलग अलग आपको आ गया। अब यहां पे भी कोलेस और एक्सपेंड इस तरह से कर सकते हैं। ये टोटल दिख रहा है, हर किस में टोटल दिखेगा, मुझे टोटल नहीं चाहिए, जस्ट राइट क्लिक और यहां से सब टोटल एसओ को अनचेक कर दीजिए। सब टोटल एसओ अनचेक कर दिए तो यहां देखिए आपके सामने आपका डेटा नहीं दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है कि इनको आपस में रिपीट करना है, तो यहां पे आप दिखेगा आपको रिपीट ऑल आइटम लेबल, रिपीट हो जाएगा। क्योंकि बीच में ब्लैंक चाहिए तो यहां पे कर दीजिए इंसर्ट ब्लैंक, मुझे ब्लैंक नहीं चाहिए तो रिमूव कीजिए, मुझे यहां पे रिपीट भी नहीं करना है तो रिपीट छोड़ दीजिए, नहीं होगा। अब मुझे इसको यहां मर्ज करना है तो सिलेक्ट करके मैं डायरेक्टली मर्ज नहीं कर सकता, मर्ज करने के लिए मुझे इस पे राइट क्लिक करना होगा और यहां जाना होगा कहां पे, पिवट टेबल ऑप्शंस, और यहां पे मुझे करना होगा मर्ज एंड सेंटर विद लेवल, देन ओके कीजिए। ये देखिए आपस में मर्ज हो गया, इस तरह से इसको मर्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा शॉर्टिंग का। अगर आपने पिवट लगाया और आपको शॉर्ट करना, जैसे पिवट में मंथ है तो मैं मंथ वाइज चाहता हूं, तो मैंने यहां पे अपना मंथ लिया और यहीं पे मैंने अपनी अमाउंट डाल दी। अब ये देखिए बाय डिफॉल्ट अप्रैल मई जून जुलाई इस तरह से आया। अब मैं इसको राइट क्लिक करके अगर शॉर्ट करता हूं तो ये आपका अल्फाबेट शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, या इस पे राइट क्लिक कीजिए तो ये आपको सेम आपका हाईएस्ट टू लोएस्ट, यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस तरह से सॉर्ट होता है। लेकिन मुझे सॉर्ट करना है कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग, तो ऐसे केसेस में राइट क्लिक करके सॉर्ट, यहां आपको मोर ऑप्शन दिखेगा। मोर ऑप्शन पे आप क्या करेंगे कि यहां पे जाएंगे मोर ऑप्शन और यहां पे आप इसको अनचेक कर देंगे और ये देखिए यहां पे आपके कस्टम लिस्ट आ जाएगा, दिख रहा है। एक कस्टम लिस्ट कहां से आ रहा है, एक कस्टम लिस्ट आ रहा है आपको यहां कहां पे होता है, न्यू एडवांस के अंदर जो एडिट कस्टम लिस्ट होता है जो ड्रैग डाउन करते हैं उससे आता है। इस पे मैंने जैन 5 को ले लिया और मैंने यहां पे ओके कर दिया, देन ओके किया तो अब एक मिनट शॉर्ट नहीं हुआ, मोर ऑप्शन, हाँ मुझे इस पे क्लिक करना होगा और किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, मंथ के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है और फिर मुझे ए टू जेड में जैन 5 लेना है।
ओके okay. आप देखिए जैन फैब के अकॉर्डिंग शॉर्ट, और शॉर्टिंग जो है आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं और शॉर्टिंग आप वर्टिकली भी कर सकते हैं। अगर आपका इस तरह से मंथ है तो ये शायद यहां भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग का सिंपल सा फंडा होता है। अब शॉर्टिंग मैंने कर लिया, लेकिन कई बार शॉर्टिंग नहीं, मुझे ग्रुपिंग करना होता है। जैसे मुझे यहाँ पे रिपोर्ट जो चाहिए क्वार्टर बाई चाहिए। अब मेरे डेटा में क्वार्टर का कोई सिस्टम नहीं है। डेट अगर इसमें डेट अगर होगा तो क्वार्टर कर लेगा, कि तो ये डेट को समझिए कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे मंथ के अकॉर्डिंग क्वार्टर करना है। मुझे जैन फेब मार्च को एक जगह करना है, फिर मई अप्रैल मई जून के एक जगह पे करना है। तो ऐसे केसेस में आप इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और जाएं कहां पे, ग्रुप पे। ग्रुप वन आ गया। अब इसमें देखिए मंथ और मंथ टू सेलेक्ट है, तो मंथ को यहां से कर दीजिए रिमूव और यहां पे लिखिए क्वार्टर वन। फिर इस तरह से मैनुअली आपको करना पड़ेगा ग्रुप। अगर टेक्स्ट पे करते हैं यहाँ पे टू, फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया, अगेन ग्रुप, और यहाँ पे क्वार्टर थ्री एंड लास्ट क्वार्टर फोर। इस तरह से आप ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है सर, प्रतीक जी कोई दिक्कत इसमें? ग्रुप को एक्सपांड कर सकते हैं क्या, क्वार्टर वन को वापस से नहीं? जान? हाँ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ग्रुप गलत कर दिया, तो राइट क्लिक करके आप अनग्रुप कर दीजिए। ठीक है, ओके okay. लेकिन जो प्लस माइनस का सीन आता है वो यहां नहीं आया, उसके लिए अलग तरीका है, बताऊंगा। तो आप जब किसी किसी भी टेक्स्ट को आपस में ग्रुप करना चाहे तो उसको कर सकते हैं। अब ग्रुप में बारी आती है नंबर्स की। जैसे मैं यहां पे अपना क्वांटिटी देखना चाहता हूँ प्राइस रेंज के साथ, कि मेरा प्राइस रेंज कितने से कितने प्राइस क्या सेल हुआ है। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए कि 100 रुपए के हिसाब से 1824 बिका है, 101 के हिसाब से 1053 बिका है, 102 के हिसाब से 1050 बिका है, 103 के हिसाब से 2026 बिका है क्या? देखिए ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना, मुझे एक स्लैब चाहिए। सो राइट क्लिक हेयर और मैंने यहाँ पे कर दिया ग्रुप। ग्रुप के अंदर ये देखिए 100 से 400 मिनिमम मैक्सिमम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें मैंने 4000 कर दिया, 1000 कर दिया, और 100 100 का ग्रुप, या जो भी करना चाहते हैं इतने यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। देन ओके किया तो आप देखिए एक ग्रुप इस तरह से हो। इस तरह से नंबर को ग्रुप कर सकते हैं। उसी तरह से आप डेट को भी ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे ही डेट रखा, इसके साथ में क्वांटिटी रखा, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली डेट कन्वर्ट हो गया डेट ईयर मंथ में। आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। मुझे मान लीजिए क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिए एंड ईयरली रिपोर्ट चाहिए, तो मंथ हटा दिया, क्वार्टर ईयर कर दिया, तो देखिए क्वार्टर ईयर आ गया। और मुझे क्वार्टर को रखना है कॉलन में, तो मैं उठा के इस तरह से कॉलन में भी क्वार्टर को रख सकता हूँ। तो इस तरह से हम डेट को भी ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मुझे 50 मुझे 90 90 दिन का ग्रुप चाहिए, क्वार्टरली नहीं चाहिए, 19 डेज का ग्रुप चाहिए, तो सिर्फ डेज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप 19 डेज डाल के ओके कर, तो ये देखिए 90 90 दिन का ग्रुप आपका हो जाएगा। ओके, तो ग्रुपिंग समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें? तो हमने शॉर्टिंग कर लिया, हमने फिल्टर कर लिया, हमने ग्रुपिंग कर लिया, नॉर्मल फॉर्मेटिंग वगैरह तो भी कर ही चुके हैं। हेलो हाँ बोलिए। हाँ हेलो सुनील सर। हाँ हेलो बोलिए, सुन रहा हूँ। हेलो सुनील सर। अरे सुन रहा हूँ, बोलिए। यस सुनील सर। क्लास के बाद इस पे डिस्कस करते हैं। क्लास 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 के बाद डिनर डेट ओके। समटाइम वी डू दिस पाइवट टेबल एंड वी ट्राई टू चेंज नेम रीनेम इन रोल अबाउट इन डिफिकल्ट टू चेंज बट क्या
ठीक है, मैं देख बताता हूँ, बताता हूँ। देखिए समटाइम्स जब फील्ड को आप चेंज करते हैं, नहीं रिनेम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए, क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, तो नहीं देगा क्योंकि इस क्वांटिटी नाम का ऑलरेडी फील्ड बना हो। तो अगर समटाइम रिनेम करते समय नहीं आता है तो एक स्पेस डाल के एंटर मार दीजिए, ले लेगा। डुप्लीकेसी नेम के कारण ऐसी प्रॉब्लम होती है। हाँ क्वेश्चन पूछिए। है, अगर जैसे जिस एक्सेल से आप ये पैकेट बना रहे हैं, अगर उस एक्सेल में आपने ये पैकेट बना लिया, उसके बाद एक्सेल में कुछ नंबर्स में चेंजेस हुए, तो पैकेट में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा? ऑटोमेटिक नहीं होगा, आपको पाइवट पर रिफ्रेश करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक चेंज कुछ कर रिफ्रेश करेंगे? हाँ अच्छा ऑटोमेटिक चेंज करने के लिए आपको ऑप्शन में डेटा के अंदर रिफ्रेश विंड ओपनिंग फाइल, जैसे रीओपन होगा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ओके 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 लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ आपका एग्जिस्टिंग डेटा चेंज हुआ तो, अगर नया डेटा ऐड करते हैं तो नहीं होगा, तो आपको रिफ्रेश, आपको रेंज चेंज करना पड़ता है। हालांकि आगे क्लास में मैं बताऊंगा रेंज, ठीक है आगे सर, क्लास में बताऊंगा टॉपिक पे। अभी हम बात करते हैं ठीक है सर। कैलकुलेशन के ऊपर। कैलकुलेशन, अब जैसे कई बार हमें, मान लीजिए कि मैंने अपना स्टोर और मैंने अपना प्रॉफिट यहाँ पे डाल लिया हुआ है कि भाई किस स्टोर में कितना कितना प्रॉफिट हुआ है। अब मुझे यहीं पे प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए कि दिल्ली ने इतना किया तो ओवरऑल प्रॉफिट में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे केसेस में मुझे जनरली क्या करना होता है कि B4 डिवाइड बाय B14, मतलब कि टोटल, तब जाके देखिए यहाँ इस तरह से 10% आता है। लेकिन ये तो हम पीवट के बाहर कर रहे हैं ना, हमें कैलकुलेशन पीवट के अंदर करना चाहते हैं ताकि पीवट में किसी तरह के चेंजिंग हो तो ये अपने आप को अपडेट कर ले। तो इसके लिए हम पीवट टेबल के वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे, जहां पे हम अपनी कैलकुलेशन चेंज करते थे, सम एवरेज काउंट मिनिमम मैक्सिमम जैसे चीजों पे चेंज करते हैं, तो उसी के बगल में होता है सो वैल्यू एड। सो वैल्यू एड जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा नो कैलकुलेशन, इस नो कैलकुलेशन को चेंज कीजिए। ये देखिए परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल या परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, परसेंटेज ऑफ रो टोटल दिखेगा। फिलहाल तो मैं कॉलम टोटल, क्योंकि एक कॉलम में है इसका टोटल ए रहा। लेकिन ध्यान रखिए, मैं चाहे दोनों चाहता हूं, मैं प्रॉफिट को एक बार और रख देता हूं। अब यहां पे एक चीज, नई चीज और जानी है कि आप वैल्यू वाले सेक्शन में एक फील्ड को कई बार रख सकते हैं, बट बोथ ऑफ द जो बाकी जो बचते हैं रेस्ट ऑफ द है फिल्टर कॉलम एंड स्टोर, इसमें आप एक बार में एक ही रख सकते हैं। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग में हम आते हैं, सो वैल्यू एज पे आते हैं और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल एंड ओके कर देते हैं। ये देखिए कंट्रीब्यूशन इसके सामने आपके पास आ गया। इस तरह से कंट्रीब्यूशन ला सकते हैं। इसमें और कैलकुलेशन था तो चलिए बाकी कैलकुलेशन के ऊपर भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने स्टोर वाइज और मैंने एसओ वाइज यहां पे अपने फिगर्स रख दिए, या एसओ नहीं, मैं मंथ ले लेता हूँ, मंथ वाइज सही रहेगा, मंथ ले लिए। अब यहां पे अगर मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाता हूं सो कैलकुलेशन में, तो सबसे पहला कैलकुलेशन क्या था, परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल आप लेते हैं तो ये जो आपका लास्ट में 487315 जो आ रहा है, इससे बाकी सारे नंबर्स को डिवाइड कर देगा। देखिए ठीक है, उसके बाद अगर हम वैल्यू फील्ड सेटिंग में आते हैं और यहाँ पे लेते हैं परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, तो इसकी जो कॉलम्स के टोटल थे उससे उसको डिवाइड कर देगा। उसके बाद आता है रो टोटल, तो साइड में जो रो का टोटल आता था उस रो टोटल से रो टोटल को डिवाइड कर दे। हालांकि इसका यूज बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी मैं समझा दिया आपको। अब मान लीजिए मुझे रनिंग टोटल चाहिए मंथ के हिसाब से, मुझे सम क्वांटिटी नहीं, मुझे अपने रेवेन्यू का या प्रॉफिट का क्या चाहिए, रनिंग टोटल, मतलब कि क्यूमुलेटिव टोटल। जैसे कि ये आपका पहले महीने का आ गया, फिर पहले दूसरे महीने में को मिला के आएगा, फिर तीसरे चौथे महीने को जोड़ के यहाँ पे इकट्ठा आएगा, तो ऐसी रनिंग टोटल भी आप यहाँ पे ला सकते हैं, यहाँ पे रनिंग टोटल। लेकिन मुझे रनिंग टोटल इन परसेंटेज चाहिए कि कैसे मेरा परसेंटेज बढ़ रहा है, तो यहीं पे रनिंग टोटल के नीचे आपको आता है रनिंग टोटल परसेंटेज इन, यहाँ पे आ जाए। अच्छा, इसमें एक चीज और चाहते हैं कि मैं रैंक निकालना चाहता हूं,
मतलब कि मैंने 122 टोटल क्वांटिटी यहां पे डाला। अब मुझे ये देखना है कि भाई किसका क्या रैंक है, तो मैं क्वांटिटी को एक बार और रखता हूं और यहां पे रनिंग टू टोटल के नीचे आपका आता है रैंक, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया, नहीं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो सबसे ज्यादा सेल जो आया इस पूजा का आया, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे ये है, फिर तीसरे नंबर पे आपका यहाँ आ गया। और रैंक के हिसाब से शॉर्ट करना चाहते हो तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। अब एक कैलकुलेशन तो हो गई, कौन सी? आपकी फील्ड की कैलकुलेशन। अब मुझे आपको फील्ड टू फील्ड फील्ड का कैलकुलेशन करना है। फील्ड का कैलकुलेशन दिस सेंस कि मुझे क्या करना है, ये निकालना है कि मेरा टोटल टारगेट और टोटल मतलब क्वांटिटी में से टारगेट को माइनस करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि क्वांटिटी टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, सिंपल सा। तो यहाँ पे ओके करते हैं और यहाँ पे मैंने अपना स्टोर वाइज टोटल क्वांटिटी और इसी के नीचे टोटल टारगेट हमने रख दिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ डिफरेंस चाहिए, क्वांटिटी माइनस टारगेट। तो यहाँ पे आपको दिखता है फील्ड्स आइटम सेट में कैलकुलेटेड फील्ड, जहां पे मैं अपनी कैलकुलेशन कर सकता हूं। जैसे मैंने लिख दिया कि यहां से TRG के नाम से बनाता हूं मैं, और यहां हमने लिया कि मेरा जो क्वांटिटी है उसमें से टारगेट को माइनस करना है। तो अगर रिजल्ट प्लस में आता है, इसका मतलब है कि हमने टारगेट अचीव कर लिया। अगर रिजल्ट माइनस में आता है तो हमने टारगेट अचीव नहीं किया। देखिए टारगेट अचीव है, यहां पे टारगेट अचीव नहीं था, 49 का टारगेट था, 46 हमने किया, ठीक है। अब मुझे यहां पे एक इंसेंटिव देना है कि जिसने अपना टारगेट अचीव कर लिया उसको यहां पे 500 का इंसेंटिव होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम यहां पे जाएंगे कैलकुलेशन में, इस कैलकुलेशन में माफ कीजिएगा, यहाँ आइटम फील्ड कैलकुलेटर फील्ड में, और यहाँ पे INC इंसेंटिव। अब यहाँ पे मैं अपने एक्सेल का फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ कि इफ इफ में जो TRG कैलकुलेटेड है वो लिया कि अगर एक ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि इसने किया है, तो 5,000 का इंसेंटिव मिल जाएगा, अदरवाइज 0, कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इस तरह के हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, देखिए। ओके, तो इस तरह से हम फील्ड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा फील्ड को फील्ड से जो फील्ड की टोटल के साथ जो कैलकुलेशन होगा वही अप्लाई कीजिएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे ये देखना है कि भाई सबका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, इंडिविजुअली कैलकुलेशन करना है तो वो पिवट के साथ नहीं होगा, वो पावर पिवट के साथ होगा, जो कि अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन के बाद हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन के ऊपर। फिल्टर, देखिए जब हम पिवट लगाते हैं तो हम रो एंड कॉलम एंड पेज फिल्टर दोनों फिल्टर पे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ स्टोर वाइज मंथ वाइज डेटा लिया, मंथ वाइज मैंने अपना टोटल क्वांटिटी ले लिया। तो यहाँ पे दो फिल्टर, तीन फिल्टर होते हैं पिवट में, पहला फिल्टर, दूसरा तीसरा। तीसरे के लिए मान लीजिए ईयर को मैंने रख दिया यहाँ पे फिल्टर में, पेज फिल्टर। तो ये जो फिल्टर कहलाता है रो फिल्टर कहलाता है, ए फिल्टर कॉलम फिल्टर कहलाता है, ये आपका पेज फिल्टर कहलाता है। मैं बात करता हूँ रो फिल्टर में, जैसे मान लीजिए मुझे कोई सिटी नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे वो पर्टिकुलर सिटी को सिलेक्ट कर लूंगा, जो सिटी चाहिए तो वही दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। सेम मुझे कोई कॉलम नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर कॉलम को नहीं देखूंगा तो नहीं दिखेगा, सिंपल सा। उसके अलावा मुझे ओवरऑल रिपोर्ट देखना है तो मैं यहाँ पे 2020 का ही देखना है, तो ये आपका पेज फिल्टर जो कि ओवरऑल रिपोर्ट को आपको एक्सेस करेगा, यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैंने मंथ को यहाँ रख दिया, ईयर हटा देता हूं मैं। अब मुझे टॉप 3 चाहिए,
तो फिल्टर में मैं वैल्यू में आके यहां पे दिखेगा आपको बिटवीन नॉट बिटवीन वैल्यू फिल्टर में आई। टॉप 10 मैंने टॉप 3 कर दिया, तो अब मुझे हर सिटी का टॉप 3 डेटा ही दिखेगा, टॉप 3 का ही टोटल आएगा, टॉप 3 है और टॉप 3 आया। अब इसमें मैं क्लिक करते इस पर क्लियर करता हूँ स्टोर, मुझे फिल्टर जो लगाना है किस पे लगाना है टॉप 10, और मैंने सेलेक्ट कर लिया ये रहा टॉप 3। अब टॉप 3 आइटम सम ऑफ क्वांटिटी पे लग रहा है, ठीक है एंड ओके। अब देखिए ये आपका टॉप 3, ठीक है, तो जिस पे क्लिक कीजिएगा ना उसके हिसाब से फिल्टर आपको लगेगा। और क्लियर करने के लिए उसी फिल्टर पे जाएंगे। लेकिन अगर हम स्लाइसर के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्लाइसर इस्तेमाल क्यों करते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें अपना एक ही डेटा के ऊपर कई सारे पिवट बनाने होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि मैंने स्टोर वाइज अपनी टोटल क्वांटिटी को लिया, अब मुझे इसी के बगल में मुझे चाहिए एसओ वाइज टोटल क्वांटिटी। अब हालांकि एसओ किसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इसके ऊपर विजुलाइजेशन मतलब कि चार्ट्स वगैरह बनाने हैं जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ एसओ के लिए अलग पिवट चाहते हैं। तो अलग पिवट कैसे बनाए, तो पिवट लगाते समय यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाइए और अपना पिवट का लोकेशन चूज कर लीजिए और यहाँ पे दीजिए कि मुझे एसओ वाइज टोटल क्वांटिटी चाहिए। अगर तीर लगाना है तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं कि पहले पीवर्ड को कॉपी कर दिया यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मुझे मंथ बाई चाहिए तो एसओ को हटा दिया, मैं यहाँ पे अपना मंथ रख लिया और मंथ के साथ साथ ईयर भी रख लिया मैंने। अब मुझे ईयर एक काम करता हूं, मैं ईयर हटा देता हूं, मुझे ईयर का फिल्टर चाहिए। तो अगर मैं यहाँ ईयर का फिल्टर देता हूं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि सिर्फ इसी फिल्टर के इसी पिवट पे काम करेगा, बाकियों पिवट पे काम नहीं करेगा। मैं चाहता हूं अब मैं हर बार अलग अलग हर किसी के लिए फिल्टर थोड़ी लगाऊंगा, मैं चाहता हूं एक कॉमन फिल्टर जो तीनों के लिए वर्क करे। ऐसे केसेस में एनालाइज के अंदर इंसर्ट स्लाइसर पे जाएंगे और मैं यहाँ पे ईयर ले लेता हूँ। इसके अलावा और भी चीजें ले सकते हैं लेकिन फिलहाल मैं ईयर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसकी भी एक अपनी फॉर्मेटिंग्स है कि आप यहाँ पे अपनी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, इसको भी इसकी रिसाइजिंग कर सकते हैं। अब इसको मैं करता हूँ 3-4 कॉलम में कर देता हूँ, 4 कॉलम में, इसको छोटा कर देता हूँ और कहीं पे फिट कर देता हूँ इधर उधर जहां फिट करना है। अब मैं 2020 सेलेक्ट किया तो 2020 का डेटा, 2021-21 का डेटा, बट अभी भी मेरा एक ही पिवट इफेक्ट हो रहा है, बाकी पिवट तो इफेक्ट हो नहीं रहा है। तो बाकी पिवट को इफेक्ट करने के लिए आपको स्लाइसर की कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे स्लाइसर में देखिए फिल्टर कनेक्शंस और आपको ओके कर दीजिए। तो हर पिवट जितने भी पिवट लगाए हैं उस सब पे क्लिक करके आपको यहाँ से स्लाइसर कनेक्शन करने होंगे। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए एक ही पिवट होगा, बाकी नहीं कनेक्ट होगा। ओके समझे,